इस न्यूज के प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। सोमवार को नगर में निकाले गए ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान कुछ युवकों के द्वारा फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने अब तक एक नाबालिग सहित 4 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 197(2) के तहत मामला दर्ज किया। वह झंडा सिलने वाली महिला से भी पुलिस पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि युवाओं ने सोशल मीडिया से प्रेरणा लेकर 3 फिलिस्तीन के झंडे बनवाए थे जिन्हें उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लहराया था, जिसका खुलासा मंगलवार शाम कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने किया है। फिलिस्तीन देश का झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने अब तक शाकिब पिता जलील खान, तोहित पिता जमीर बेग, सोहेल पिता सफी सहित एक नाबालिग के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। सभी आरोपी वार्ड नंबर 10 राजानगर के बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस कृत्य का मास्टरमाइंड एक नाबालिग सहित एक 18 वर्षीय युवक है, जिन्होंने सोशल मीडिया से प्रेरणा लेकर फिलिस्तीन का झंडा बनवाने का प्लान बनाया था। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर युवाओं ने रील देखी थी, जिसमें बहुत सारे लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे। उसी से प्रेरणा लेकर लोकल बाजार से इन युवाओं ने कपड़ा खरीद कर लाया और अलग अलग लोगों से कपड़ा सिलवाया था। जिस महिला से कपड़ा सिलवाया था उसे भी युवाओं के द्वारा गुमराह किया गया। महिलाओं को नहीं मालूम था कि वह झंडा किस देश का है। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि बालाघाट सहित अन्य जिलों में भी फिलिस्तीन के झंडे लहराने की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कहीं इन युवाओं को किसी संगठन या संस्था से तो प्रेरणा नहीं मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में नाबालिग के शामिल होने को गंभीर बताते हुए इस मामले की हर एंगल से जाँच करने की भी बात कही। शहर में कल ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस के दौरान कुछ युवकों के द्वारा फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए थे और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट पुलिस तत्काल हरकत में आई थी और वीडियो के आधार पर हमने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया था। इसी मामले में हमने 197(2) BNS की धारा के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज किया था कोतवाली थाने में और वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया हमें शाकिब पिता जलील खान 25 वर्षीय, तोहित बेग पुत्र जमीर पिता जमीर बेग 20 वर्ष, ये दो लड़के चिन्हित किए थे हमने। इनसे जब हमने पूछताछ करी, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण था ये जानना कि ये झंडा कहाँ से लाए यहाँ पे और क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, तो इनसे और जब पूछताछ हमने करी है तो इस पूरी घटनाक्रम के मास्टरमाइंड दो युवक निकल के हैं, जिनमें से एक नाबालिग है, जो कि चिंता का विषय है कि नाबालिग युवक भी आजकल ऐसी घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम है सोहेल पिता शफी, 18 वर्ष का, ये भी रजानगर का रहने वाला है। सारे आरोपी रजानगर के रहने वाले हैं। इन लड़कों ने इंस्टाग्राम से प्रेरणा लेके इस घटना को अंजाम दिया। इन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐसे रील और वीडियो देखे थे जिसमें फिलिस्तीन के झंडे को लहराते हुए लोग दिखाए जा रहे थे और उसको काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा था और उसी बात को प्रेरणा लेते हुए इन्होंने इस घटना को बालाघाट में अंजाम दिया है। झंडे बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे स्थानीय एक महिला, जिसे ये नहीं पता था कि वो एक कौन सा झंडा बनाने जा रही है, उसे गुमराह करते हुए एक मोहल्ले में इन्होंने इस झंडे को तैयार किया करीबन 10 दिन पहले और उसके बाद से इनकी योजना थी कि इस जुलूस के दौरान इस झंडे को वो फहराएंगे लहराएंगे। और जो वीडियो में दो व्यक्ति झंडा फहराते हुए दिखे गए थे, इन्हीं लड़कों से उन्होंने इस झंडे को लेके बाद में अपने अपने इलाकों में अलग अलग समय पर फहराया था। वर्तमान में इसमें और फुटेज हम खंगाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या इसके आगे भी कोई ऐसी संस्था या फिर कोई संगठन तो नहीं है जो इनको प्रेरणा दे रहा है कि वो इस प्रकार की घटनाएँ करें। बालाघाट शहर के लिए ये पहली घटना है, नई घटना है और हम इसे काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और शहर में ऐसे तत्वों को हम बिल्कुल नहीं पढ़ा। सर, ये एक ही झंडा बनाए थे या फिर झंडे कितने बनवाए थे? ये 3 झंडे बनाए थे इन लोगों ने।